हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वती पेड्यूटेक। आज हम समझने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड एल्जेब्रा सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन, द चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखे हुए, जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, राइट, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, वेरी सिंपल इट इज। तो आज हम समझने जा रहे हैं अबाउट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, इक्वेशन किसे बोलते हैं, व्हाट यू मीन बाय इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स द मैथमेटिकल term which contains at least one variable. The mathematical concept or mathematical term which contains at least one variable. जैसे आप लोग ने lower standard in your 8th standard आपने ऐसा सीखा था 3x minus 5 equal to 10, ऐसा कुछ सीखा था। तो देखिए, जब यहां पर equal to दिया, right, या फिर हमें ऐसा दिया, तो वेरिएबल है, यानी कि ये इक्वेशन हुआ। ये कौन सा हुआ, ये इक्वेशन हुआ। जैसे मैंने लिया 3y minus 9 equal to 15, something like this, right? 3x equal to 9, okay? तो ये जो है ये इक्वेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल, लेकिन कितने वेरिएबल है, ओनली वन, या तो x है या तो y है, या तो a होगा या तो b होगा। So this is called linear equation with one variable, right? Linear equation, one variable. Linear क्यों बोला है, क्योंकि ये सीधा है, हमें कोई specific, कोई you can say like index नहीं दिया हुआ, जैसे square, cube, nothing is given to us, सीधा सीधा simple equation है, that's why it is called linear equation, और इसमें एक ही variable है, that's why it is called one variable. अब आपने इसके previous chapter, यानि chapter one में क्या समझा था, ऐसे कुछ equation समझते हैं, 3x plus 5y equal to 2, 15, ऐसा कुछ equation आपने समझा था, ऐसे जो equation है, यहां पर भी देखिए आप, वी कैन सी कि देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, इंडेक्स इज गिवन, स्क्वायर, क्यूब, नथिंग इज गिवन टू अस, ये भी इसके जैसा सीधा है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है, तो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, ओके। लेकिन हम तो क्वाड्रेटिक समझ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट क्या है, वो भी लीनियर इक्वेशन ही है, यानी कि वो वन वेरिएबल ही होगा, लेकिन वो लीनियर नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक इंडेक्स दिया होगा। जैसे कि आपको दिया 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 10, राइट, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और वी कैन से n स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें भी है ना, वेरिएबल एक ही है, यहां सिर्फ x स्क्वायर दिया है, या x स्क्वायर और x दिया है, ये n स्क्वायर दिया है, वेरिएबल सिंगल है, बट इट हैज इंडेक्स, तो इंडेक्स कितना भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, व्हाटएवर वेरिएबल इज देयर अलोंग विद दैट, कोई भी इंडेक्स हो सकता है। लेकिन क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या हुआ, क्वाड्रेटिक मींस द इक्वेशन हैविंग टू, दैट इज स्क्वायर, टू यानी के स्क्वायर इक्वेशन हैविंग, मैं ऐसे लिख देता हूं, हाईएस्ट इंडेक्स, और वी कैन से डिग्री, द इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स, और वी कैन से इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री,
टू यानी के स्क्वायर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल है, क्या समझे? लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, और ये आप देखिए दोनों में एक ही कंसेप्ट है, इसमें भी सिंगल वेरिएबल था तो यहां भी सिंगल वेरिएबल ही है, एक्स ही है सब में, या तो एम होगा या तो वाई होगा, बट यहां पर हाईएस्ट इंडेक्स वन था, देखो वन से ज्यादा नहीं है, यहां क्या है हाईएस्ट डिग्री इज वन, लेकिन यहां हाईएस्ट डिग्री इज टू यानी स्क्वायर, स्क्वायर से बड़ा और कोई इंडेक्स यानी कि डिग्री नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पैटर्न के हम जो इक्वेशंस है ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये चैप्टर में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ द चैप्टर एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल चैप्टर है, मेरे साथ रहिएगा थ्रू आउट वीडियो, बहुत सिंपल है। नाउ सी, फर्स्ट है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया व्हाट यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन having the highest degree 2, 2 से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए डिग्री, तो यहां हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, जैसे x square minus 9 equal to 0, then we can write 2x square minus 5x plus 10 equal to 0, something like this, कुछ भी लिख दीजिए, बहुत सिंपल है, राइट? अब मेन सम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, we have to decide Which of the following are quadratic equation? यानी हमें यहाँ जो भी equations दी है उसमें हमें ये बताना है कि quadratic equation कौन सा है। तो बहुत simple है, सबसे पहला और फंडा क्या है, the main concept of quadratic equation is that कि highest degree 2 होना चाहिए, highest degree 2। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले उसे solve करके देख लो कि आ रहा है या नहीं, लेकिन highest degree 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा कोई इंडेक्स कोई डिग्री नहीं होना चाहिए, क्लियर? तो x square plus 5x minus 2 equal to 0, तो अब देखिए, राइट? और एक बात, ये स्टार्ट करने के पहले, बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सरसाइज, मैं ये भी आपको बता दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation, QE का मतलब है quadratic equation is AX square plus BX plus C equal to 0, यह हमारा standard form of quadratic equation है, यह भी आपको ध्यान रखना है, standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, यानी क्या कि हम जब कोई भी quadratic equation लिखते हैं तो square वाला term must be first, सबसे पहले square वाला term लिखना है, then only x that is index 1, ये x, जैसे x के ऊपर 2 है यानी square है, वैसे यहाँ x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, और last में constant term यानी कि without variable, only simple number जो हम लिखेंगे, राइट? जैसे हमने यहां लिखा है स्क्वायर वाला टर्म पहला आया 2x स्क्वायर, देन ओनली x टर्म माइनस 5x एंड 10, 10 हैज नो वेरिएबल, 10 में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको ध्यान रखना है, तो ये पैटर्न में हम अरेंज करते जाएंगे और सॉल्व करके, और फाइनली इफ हाईएस्ट इंडेक्स इज 2 That equation is quadratic equation. अगर highest index 2, यानी कि highest 2 नहीं है, तो it is not a quadratic
इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट आप जरा ध्यान से देखिए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका हाईएस्ट इंडेक्स टू हुआ, ये एक्स का वन है और टू का कोई वेरिएबल नहीं है इसीलिए इंडेक्स जीरो हुआ। तो हाईएस्ट डिग्री इज टू। क्लियर। सिंस इन गिवन इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री इज टू यानी कि स्क्वायर, हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंपल सा सम है, राइट। इसी का सेकेंड इक्वेशन हम स्टार्ट यूज करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन। वाई स्क्वायर इक्वल टू फाइव वाई माइनस टेन। तो अब क्या लिखना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिए। इक्वल टू का राइट साइड इज ऑलवेज जीरो, इक्वल टू का राइट साइड इज ऑलवेज जीरो और ऑल टर्म्स मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तो राइट हैंड साइड जीरो। तो आप ये राइट से टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए, ओके। तो क्या होगा, वाई ये प्लस फाइव है वो बिकम्स माइनस फाइव, माइनस टेन यहां आ गया तो प्लस टेन, राइट। ये बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। पहला टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म सिंगल वेरिएबल यानी के इंडेक्स वन और लास्ट टर्म कॉन्स्टेंट है उसका इंडेक्स जीरो होगा। तो इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स टू है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां भी लिख सकते हैं सिंस इन गिवन इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री इज टू, हेंस गिवन इक्वेशन is a quadratic equation. Given equation is a quadratic equation, right? Then we'll discuss third sum, y square plus 1 upon y is equal to 2. अब ध्यान से समझिए, हमने क्या समझा, विच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज हाईएस्ट इंडेक्स इज टू। अब यहां पर देखिए हमें रेशियो में दिया है, हमें यहाँ एक फ्रैक्शन भी दिया इक्वेशन में। व्हेनेवर रेशियो ऐसा फ्रैक्शन कंसेप्ट आएगा इक्वेशन में तो पहले इसे हमें सॉल्व करना है। पहले क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे एंड उसको हम ट्राई करेंगे टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया उसके बाद हमें बोलना है वेदर इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो वेरिएबल डिनोमिनेटर में क्या दिया है, वाई। व्हेनेवर देयर इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो जब भी तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया होगा वेदर इट इज वेरिएबल और इट इज अ नंबर। आई एम रिपीटिंग, कभी भी इक्वेशन में फ्रैक्शन इज गिवन, सो इन डिनोमिनेटर वेदर वेरिएबल इज गिवन और एनी नंबर इज गिवन, ऑलवेज मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद दैट डिनोमिनेटर। वेरी सिंपल मेथड है ये, राइट। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, मैं लिखता हूं यहां पर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y, y
बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या दिया है, वाई दिया है. सो वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू टू इंटू वाई, राइट. तो यहां देखिए ये वाई और वाई कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, सो वाई क्यूब वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो टू प्लस वन थ्री, तो वाई क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई, इक्वल टू जीरो में डाल दीजिए. सो वाई क्यूब माइनस टू वाई प्लस वन. अब हमें बताना है वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. तो देखिए यहां हाईएस्ट इंडेक्स थ्री है, टू नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. तो सिंस इन इक्वेशन वी कैन राइट गिवन इक्वेशन आल्सो, द हाईएस्ट इंडेक्स या हाईएस्ट डिग्री इज थ्री, राइट. हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट, इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, ये हमारा. नाउ फोर्थ सम, x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू माइनस टू. नाउ जस्ट अभी हमने इसके प्रीवियस सम में समझा कि वेन एवर देर इज फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उससे हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, राइट. इसके प्रीवियस इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर था, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया. नाउ वी हैव एक्स इन डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट. सो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, बाय एक्स. सो एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स, ओके. यहां से एक्स एक्स कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट विद अस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस टू एक्स. इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी राइट हैंड साइड जीरो, शिफ्ट माइनस टू एक्स ऑन लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ. देखिए यहां पर हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, टू, राइट. तो सिंस हाईएस्ट डिग्री इज टू, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज a quadratic equation. बहुत सिंपल सा सम है ये. सम नंबर 5 लेते हैं हम. सम नंबर 5 इज अ वेरी यूनिक सम. ये पैटर्न का सम आपको कई बार पूछा है. सो m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ऐसा हमें इक्वेशन दिया गया. अब देखिए ये ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में देयर इज मल्टीप्लिकेशन. सो व्हेनेवर देयर इज मल्टीप्लिकेशन इन ब्रैकेट, तो क्या करना है हमें, स्प्लिट मेथड, यानी वी विल राइट द सेकंड ब्रैकेट ट्वाइस, वी विल राइट सेकंड ब्रैकेट ट्वाइस और फर्स्ट ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे.
हमने सेकंड ब्रैकेट दो बार क्यों लिखा, बिकॉज जो ब्रैकेट हम स्प्लिट कर रहे हैं उसमें सिर्फ बाइनोमियल है, यानी देर आर ओनली टू टर्म्स, इसीलिए सेकंड ब्रैकेट को दो बार लिखा। अगर यहाँ थ्री टर्म होता तो हम सेकंड ब्रैकेट तीन बार लिखते। अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, सो एम का मल्टीप्लीकेशन हम एम से करेंगे, सो इट इज एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस टू एम प्लस माइनस माइनस टू फाइव आर टेन इक्वल टू जीरो, सो एम स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म m टर्म्स है, सो वी कैन एड सब्ट्रैक्ट, राइट। तो क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो बिगर डिजिट साइन के साथ आंसर लिखना है माइनस थ्री एम माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब इसमें देखना है हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री इज टू, क्योंकि ये वन है और ये जीरो है, राइट। तो सिंस highest degree or we can say highest index is 2, therefore given equation is a quadratic equation, very simple it is, right। अब हम आगे sixth sum solve करेंगे। sixth sum तो बहुत ही simple है, इट इज एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एम क्यूब। सी द सम इज वेरी सिंपल, एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू थ्री एम क्यूब। अब हमें राइट हैंड साइड वी नीड जीरो, सो हम इसे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, सो देयर इज एम क्यूब, तो ये एम क्यूब ही है, तो साथ में ले लो, सो एम क्यूब माइनस थ्री एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू, ओके। अब ये देखिए दोनों का पैरिंग है, सो एम क्यूब माइनस थ्री एम क्यूब इज माइनस टू एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, राइट। तो अब यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या हमारे पास, थ्री है, टू नहीं, तो यहां लिखना है सिंस हाईएस्ट डिग्री इज थ्री, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज Not a quadratic equation। यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now क्वेश्चन नंबर थ्री, write the following equations in the form of ax square plus bx plus c equal to zero and then write the values of abc for each of the equation। It's very simple, we have to form the given equation in this format. This is a standard form of quadratic equation. क्या ये quadratic equation का standard form है? ये standard form में हमें equation को convert करना है. And after converting the equation in standard form, we have to write the value of ABC. तो देखिए standard form में A किसके साथ है? X square के साथ. B with x यानी middle term और c यानी constant term यानी last number, the number do not have any variable, okay, right। तो हमें पहले क्या करना है, standard form में convert करना है, मतलब first term should be x square, second term should be x and third term should be constant term। पहले हम इसे given equation को ये form में convert करेंगे and then we will write the value of a b c। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है राइट हैंड साइड जीरो, यानी राइट साइड जो टर्म्स है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो और अरेंज करना है एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी पहला टर्म स्क्वायर वाला होगा, सेकंड टर्म ओनली एक्स एंड थर्ड टर्म इज कॉन्स्टेंट नंबर, तो माइनस वाई स्क्वायर शिफ्ट होगा,
तो प्लस वाई स्क्वायर, देन टू वाई इज देयर ओनली, वो तो यहीं पर है, एंड प्लस टेन भी शिफ्ट होगा तो इट बिकम्स माइनस टेन, तो ये इक्वल टू जीरो होगा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन। नाउ हमें लिखना है ऑन कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equal to zero। तो जो स्क्वायर टर्म्स है उसके साथ जो होगा वो a है, मिडल टर्म राइट इज योर b, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि द नंबर डू नॉट हैव एनी वेरिएबल इज c। तो विद द हेल्प ऑफ दैट a स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो वी हैव टू कंसीडर वन। Then b, तो with x यानी with y क्या है यहाँ पर 2, and then c is a constant term, do not have any variable, it is minus 10, ध्यान रखना है जहां माइनस होगा आपको माइनस शो करना है, राइट right? जहां माइनस होगा वहां आपको माइनस शो कंपल्सरी करना है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। नाउ सम नंबर 2, सम नंबर 2 इज बिट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेटिव कंसेप्ट। हमें दिया x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहले हम यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये होल स्क्वायर है, तो यहां पर मैं एक हिंट लिखता हूं, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी, सॉरी माइनस दिया ना, तो माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो एक्स ए के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 1 है, तो ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2 ए बी यानी जो 2 है उसका मल्टीप्लाई ए बी से होगा, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओके प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एज इट इज। तो x स्क्वायर माइनस 2 वन जा 2x plus square of 1 is 1 is equal to 2x plus 3। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे 0 लगाना है, तो हमें राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो x square minus 2x, अब ये plus 2x को राइट से लेफ्ट में लाइए, राइट ये राइट से लेफ्ट में आएगा, तो माइनस टू एक्स प्लस वन यहां से माइनस प्लस थ्री शिफ्ट होगा तो माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो ओके। तो हमारा सॉल्व कैसे होगा, सम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर एक्स राइट माइनस माइनस प्लस फोर एक्स और यहां पर होगा ये प्लस वन है तो प्लस माइनस माइनस बिगर डिजिट साइन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो राइट। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। और अब हमें लिखना है सिर्फ ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए इज योर वन, देन बी इज योर माइनस फोर एंड सी इज योर माइनस टू, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया राइट। देन थर्ड सम, सम नंबर 3, ये है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इन ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, ओपन दिस ब्रैकेट, सो इट इज माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ वी नीड राइट हैंड साइड 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड 0 है, तो ये सब टर्म शिफ्ट करेंगे, तो x के साथ x शिफ्ट होगा, तो ये प्लस x शिफ्ट हुआ माइनस x, एंड दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, माइनस 3 शिफ्ट हुआ प्लस 3, राइट। तो अब देखिए ये दो हमारे कंसेप्ट बोथ आर दी x, तो वी कैन एड सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 1 4x, bigger digit sign, plus 3 equal to 0, अब ये हमारा convert हो गया standard form में, so, on comparing with, ax square plus bx plus c equal to 0, a is your 1, b is your plus 5, जैसे हमने आगे समझा था, whenever there is negative sign, आपको negative sign show करना है, ध्यान रखना आपको, तो a is 1, b is your 4 and c is your 3, यह हमारा question number 3 का third sum is over, now fourth sum, 3m square is equal to 2m square minus 9, 3m square is equal to 2m square minus 9, जैसे हमने समझा है, right hand side हमें 0 required है, देखिए यहाँ bracket था तो हमने open किया, यहाँ पे formula set करना था, हमने formula apply किया, यहाँ कुछ नहीं है, direct हमें shift करना है, तो पहले मैं right hand side 0 बनाऊंगा, तो 3m square minus 2m square, और minus 9 shift होगा वो plus 9, तो 3 minus 2 ये दोनों square है, m square, तो 3 minus 2 your 1, right, bigger digit sign, 3 positive है, यानि plus m square minus 9 equal to 0, अब ये standard form में नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो ये square वाला term दिया हमें, और without x, यानि कि constant term, middle term is missing, जब कोई भी टर्म मिसिंग हो और उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हमें प्लस 0 ऐड करना है। मैं रिपीट करता हूं, व्हेनेवर एनी टर्म इज मिसिंग, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट ऐड प्लस 0 व्हेरेवर इज द रिक्वायरमेंट। हमें यहां मिडिल टर्म का रिक्वायरमेंट है, तो ये m स्क्वायर एज इट इज होगा, राइट, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a एंड c इज देयर, लेकिन हमारे पास मिडिल टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म के लिए प्लस 0, लेकिन यहां मिडिल टर्म है इसीलिए m हमें अप्लाई करना है। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, सो ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू a, a इज योर 1, b is your 0, और c जैसा भी हमने डिस्कस किया नेगेटिव साइन के साथ है, तो आपको नेगेटिव साइन शो करना है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज p into 3 plus 6p is equal to minus 5, तो हमने जैसे यहां ब्रैकेट ओपन किया था, ब्रैकेट ओपन कीजिए, सो p का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 3p plus p into p, p square, याने 6p square is equal to minus 5, अब ये हमें अरेंज करना है इस पर स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला स्क्वायर होगा, then middle term and then constant term, तो right hand side is 0 सेट किया हमने, पहले स्क्वायर तो 6p स्क्वायर पहले आ जाएगा, देन मिडिल टर्म हमें दिया है 3p,
क्योंकि मिडल टर्म ऑलवेज कंटेन्स वेरिएबल विद इंडेक्स वन, तो प्लस थ्री पी और ये माइनस फाइव शिफ्ट हुआ इज इक्वल टू फाइव. सो ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इज योर सिक्स, बी इज योर थ्री एंड सी इज योर फाइव. ये हमारा फिफ्थ सम सॉल्व हो गया. अब हम सिक्स सम सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल है. एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू थर्टीन. दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस. अगेन यहां कोई ब्रैकेट है नहीं, हमें तो सीधा सिंप्लीफाई करना है. तो इक्वल टू जीरो, थर्टीन शिफ्ट होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एंड ये प्लस थर्टीन शिफ्ट हुआ तो माइनस थर्टीन. तो एक्स स्क्वायर ये दोनों टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन वी कैन डू. तो माइनस माइनस प्लस, थर्टीन प्लस नाइन 22 एंड बिगर डिजिट साइन, 13 बिगर डिजिट है तो माइनस 22, राइट. अब ये अगेन कैसा हो गया, अभी हमने सॉल्व किया था ये, राइट. मिडल टर्म इज मिसिंग, तो हमें क्या ऐड करना है, प्लस जीरो. सो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 22, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हमारे पास है, मिडल टर्म नहीं है, तो प्लस जीरो एक्स, राइट. ये अब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. सो नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वी हैव ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू माइनस 22. यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट, और बेल आइकन जरूर दबाएं, तो हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहे, राइट. तो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.